नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री जीके के बारे में, रसायन विज्ञान। तो अभी तक हम लोग 16 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 16वां चैप्टर था विलयन के बारे में। इसमें बात करने वाले हम लोग पर्यावरण रसायन के विज्ञान में, पर्यावरण रसायन विज्ञान। याद रखिए जितने भी हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित लेक्चर ख़त्म करते जा रहे हैं वो सभी जनरल साइंस के नाम की प्ले लिस्ट सूची में डालते जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना। हमारे चारों ओर उपस्थित भौतिक एवं जैविक संसार क्या कहलाता है? पर्यावरण। जल वायु तथा अथवा मृदा में अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति क्या कहलाती है? प्रदूषण। अम्ल वर्षा, जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न एच प्लस आयन के कारण वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है, ठीक। H2O फिर CO2 अभिक्रिया करके बनता है H2CO3, ठीक। इसी प्रकार H2CO3 एच प्लस आयन देता है। जब वर्षा जल का मान पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है इसे तो अम्ल वर्षा कहते हैं इसे, ठीक। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति से कि नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान करते हैं। अम्ल निक्षेपण, शुष्क निक्षेपण, वनस्पति की क्षति, जलीय जीवन की क्षति अम्ल वर्षा हो रही है, ठीक। ये अम्ल कोहरा और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। वायु प्रदूषण की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है नई दिल्ली। प्रदूषण के कारण कोलकाता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया। वायु में निलंबित सूक्ष्म कण अथवा ध्रुवीय बूंदें क्या कहलाती हैं? कणकीय प्रदूषण। जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल आदि किस प्रकार के प्रदूषक हैं? कणकीय प्रदूषक। जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ विखंडित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। स्वच्छ जल की VOD का मान क्या है? 5 PPM से कम। जल में फॉस्फेट का योग किसकी बढ़ोतरी को सहयोग देता है? शैवाल की प्रचुर बढ़ोतरी से जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल निकाय में पौष्टिक अभिवृद्धि के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। यहीं देख लेते हैं गैसीय वायु प्रदूषक एवं उनके प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अल्पकालिक प्रभाव है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता का घटना। और दीर्घकालिक प्रभाव है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव, सिरदर्द, स्नायु दुर्बलता, दृष्टि शक्ति क्षीण होना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका अल्पकालिक प्रभाव है दर्द, नाक में जलन, खांसी, जुकाम। और दीर्घकालिक प्रभाव है मनुष्य में श्वास संबंधी रोग, रक्तस्राव, निमोनिया आदि। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होना। सल्फर ऑक्साइड, दमे की शिकायत, इसका अल्पकालिक प्रभाव है और दीर्घकालिक प्रभाव है श्वसन तथा फेफड़ों पर प्रभाव तथा पौधों में कलियों का गिरना। हाइड्रोकार्बन, अल्पकालिक प्रभाव है इसका दर्द, खांसी एवं आँखों में जलन। और दीर्घकालिक प्रभाव है विभिन्न प्रकार के कैंसर जन रोग। फिर सीसा अन्य धातुएँ, इस शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अल्पकालिक प्रभाव है और दीर्घकालिक में हृदय तथा तंत्रिका तंत्र के रोग, लीवर व किडनी की क्षति, शिशुओं में मानसिक रोग, प्रजनन क्षमता में हानि, गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव आदि। धूल कण, विभिन्न प्रकार के रोगों का खतरा, कैंसर एवं विषाक्त
ठीक है, इसके प्रमुख रोग है इसका, यही दिया गया है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी पदार्थ से होने वाले प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्य के शरीर में कैंसर और अल्सर हो जाता है। रक्त कोशिका एवं अस्थि मज्जा में भी इन किरणों से अवांछित परिवर्तन हो जाता है। जीवित कोशिकाएं भी विकिरण से नष्ट हो जाती हैं। रेडियोधर्मी विकटन में विद्युत तरंगें निकलती हैं। ये विद्युत तरंगें जैविक दृष्टि से हानिकारक हैं, इससे कैंसर आदि रोग उत्पन्न होते हैं। रेडियोधर्मी प्रभाव कोशिकाओं तथा गुणसूत्र में अत्यंत प्रतिक्रियात्मक रासायनिक तत्वों को प्रविष्ट करा देते हैं, इससे अनुवांशिक पदार्थों में अवांछित परिवर्तन हो जाता है और उत्परिवर्तन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है क्लोरीनीकरण। अपशिष्ट पदार्थ पीड़कनाशी शाकनाशी आदि के द्वारा मृदा की गुणवत्ता का कम होना क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण। गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? ब्रेंजीन हेक्साक्लोराइड। पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे भाग को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु किन गैसों का मिश्रण है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। याद रखें नाइट्रोजन 78.084% ऑक्सीजन 20.946%। ऑर्गन है इसमें 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। वायुमंडल में वायु की परत क्यों बन जाती है? क्योंकि वायुमंडल में वायु का घनत्व समान नहीं होता। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। वायुमंडल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंग दैर्ध्य और विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगें विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की सांद्रता बढ़ने तथा ओजोन क्षरण के कारण वातावरण के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं? विश्व ऊष्मायन। एक्सरे के अधिक उपयोग से किस रोग की संभावना होती है? कैंसर तथा अल्सर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ठीक है, ये नाइट नाम हो गया, सूत्र हो गया। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण की अवस्था बनाने की विधि भौतिक रंग रासायनिक रंग, जैसे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका सूत्र है N2O प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था इसकी NH4NO3, ताप से अभिक्रिया करके N2O2H2O रंगहीन गैस उदासीन बनाता है। ठीक है ना, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक के देख लेना। बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो याद रखना नाइट्रेट की अधिकता के कारण। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने के कारण कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। कपड़ों के कीड़ों से बचाव करने वाला फिनाइल रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? नेप्थेलीन। याद रखिए, चलिए आगे बात करेंगे 18वें चैप्टर में रासायनिक वियोजन के बारे में। ठीक है, रासायनिक वियोजन।